हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की चार ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। व्हाट्सएप यूज़र हैं तो आपको व्हाट्सएप की सीक्रेट्स नहीं पता तो आपको व्हाट्सएप चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के राइट्स एंड आई एम योर होस्ट किशोर सुटर। व्हाट्सएप में ये होता है कि जब हम किसी बंदे को मैसेज करते हैं हमें यहाँ पर डबल क्लिक के ब्लैक निशान दिखाता है, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो मैसेज है वो नेक्स्ट पर्सन की तरफ डिलीवर्ड हो चुका है। वो थोड़ी देर जब हम वो बंदा उस मैसेज को देख लेता है, वो पर्सन उस मैसेज को देख लेता है तो वो ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि भाई उस बंदे ने ये मैसेज पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। फ्रेंड्स, हमें ये तो पता चल गया उस बंदे ने मैसेज रीड कर लिया, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि उस बंदे ने ये मैसेज किस टाइम देखा है। तो फ्रेंड्स, जब आप वो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऊपर जो आपका थ्री डॉट का निशान दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तभी ये देखिए आपको बता रहा है इस मैसेज के बारे में कि भाई आपने 10:06 पर आपने इसको मैसेज किया था और 10:20 पर जो इस बंदे ने ये मैसेज पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। फ्रेंड्स, इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि वो बंदे ने किस टाइम मैसेज रीड किया था। फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की जानब। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि जब हम किसी को मैसेज करना होता है कि भाई अगर हमें किसी को 50 बार मैसेज करना हो या 100 बार मैसेज करना हो तो हमें बार बार ये ऐसे हाई लिखना टाइप करना पड़ता है, हाई टाइप करना पड़ता है, ऐसे 50-100 बार टाइम लगता है टाइप करके भेजना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो दूसरी ट्रिक ये है कि आपको जो ऐप मैं दे रहा हूँ वो ऐप आपको उस ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये ऐप सिर्फ इसी लिंक से आपको मिलेगी, प्ले स्टोर पर आपको लिंक नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस ऐप के ज़रिए आपको किसी को मैसेज करना है तो आप इसके ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यहाँ पर मैसेज कर रहा हूँ, हेलो डियर टाइप करके मैसेज भेज रहा हूँ, भेजना है मुझे। अब बता रहा है आपको कितनी बार मैसेज करना है, यहाँ 20 बार हो गया, मुझे ये मैसेज तकरीबा 80 बार मैसेज उस दोस्त को भेजना है। तो और ये जो नीचे ब्लू आइकन है इस पर सेंड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्रेंड्स, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सेंड पे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। मैं इसको भेजना चाहता हूँ, ये आपको इस पर ये देखिए लूप आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे सेंड कर देंगे, ये आपको उस बंदे को ये मैसेज 80 बार भेजना शुरू कर देगा, टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी दूसरी ट्रिक। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की जानिब। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक एक अमेजिंग ट्रिक है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हम जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो हमें वहाँ पर उसका ये इस तरह का हमें अबाउट में उसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो शो होता है। फ्रेंड्स, ये सबका ऑन होता है, ये सेटिंग सबकी ऑन होती है, हम जो भी हमें मैसेज करता है उसका नंबर हमें शो होता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका ये नंबर किसी को शो नहीं होगा यहाँ पर, आपका जस्ट अगर नंबर सेव होगा तो आपका जस्ट आपका जो नेम है वही शो होगा, आपको नंबर जो है वो आपका शो नहीं होगा। इस सेटिंग को मोस्टली गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट हाइड करना चाहते हैं या किसी को नहीं देना चाहते तो इस तरह कर सकती हैं। आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे सेटिंग में चले आना है। फ्रेंड्स, सेटिंग पे चले आने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है, आप ऊपर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दे रहे हैं, प्राइवेसी पे आपको अबाउट पे क्लिक कर देना है। अबाउट पे जो आपको क्लिक कर देंगे तभी आपको यहाँ पर नीचे जो नोबडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से नोबडी का ऑप्शन दे रहा है इस पर आप क्लिक करके इससे आपको अपने अबाउट अपने नंबर को हाइड कर सकती हैं।
आखिरी और नंबर 4 पे जो ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि हमको लोग जब ग्रुप में ऐड करते हैं तो हमसे कोई परमिशन नहीं लेता कि भाई हमें ग्रुप में कौन कौन ऐड करता है। जो जो भी नया ग्रुप बनाता है फ्रेंड, वो हमें ऐड कर देता है। अगर आप इस तरह किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते तो आपको फिर से यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ऊपर जो प्राइवेसी का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा, और नीचे जब आएंगे आपको यहाँ पर ये ग्रुप्स का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्टली जो होता है वो सबका एवरीवन होता है। एवरीवन नहीं, आपको यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। माई कॉन्टैक्ट्स क्लिक करेंगे और तब यहाँ पर डन कर देना है। अब आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये थी 4 ट्रिक जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली थी व्हाट्सएप पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।